दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि का 18वीं किस्त को लेकर आज से वो काफी बेसब्र से इंतजार हुआ कि आखिर जब तक पीएम किसान सम्मान निधि का 18वीं किस्त थे वो कब आएगा और किस डेट पे आएगा। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि फाइनली जो उसका डेट है उसको रिलीज कर दिया गया है। 100% गारंटी के साथ आपसे वो बताने वाला हूँ कि आखिर जब तक पीएम किसान सम्मान निधि का 18वीं किस्त थे वो कब आएगा और किस डेट पे आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं pmkisan.gov.in के वेबसाइट पे। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 18वीं किस्त का जो डेट है उसको रिलीज कर दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री जी द्वारा 18वीं किस्त का जो डेट है वो 5 अक्टूबर 2024 को रखा गया है। बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री जी द्वारा आपका 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे आपके सभी के अकाउंट में भेज देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ईकेवाईसी जो है वो आपको मैंडेटरी रखा गया है। जब तक आप ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका जो है 18वीं किस्त है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। और आपने 17वीं किस्त में आपका ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं होगा या करवा लेंगे तो आपका 17वीं किस्त और 18वीं किस्त दोनों ही एक साथ आ जाएगा। पर अभी तक आपने ईकेवाईसी और आधार सेंडिंग और लैंड सेंडिंग अगर आपने कम्प्लीट ये तीन चीज नहीं किया है तो आप बहुत ही जल्द कर लो। जब तक आपने ईकेवाईसी और लैंड सेंडिंग धार सेंडिंग करना आपको बेहद ही ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं करते हैं तो आपका इंस्टॉलमेंट है या 10th इंस्टॉलमेंट होगा या 17वें इंस्टॉलमेंट होगा वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट को चेक कर पाओगे, पीएम किसान सम्मान निधि का जो आपका अकाउंट है वो कैसे चेक कर पाओगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख पाएंगे नो योर स्टेटस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना है, कैप्चर को फिल करना है, गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको क्लिक करना है। सिंपली आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कैप्चर को यहाँ पे फिल करना है, गेट मोबाइल पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP को सिंपली क्या करना है यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो जो शो कर रहा है वो उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है या आपको कहीं पे नोट डाउन करना है। और यहाँ पर सिंपली क्या करना है, बैक आना है। जैसे आप बैक आएंगे तो यहाँ पे फिर से आपको न्यू स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। सिंपली आपको इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपको फिल करना है और यहाँ पे कैप्चर को फिल करना है और यहाँ पर आपको गेट OTP पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप OTP को फिल करते हैं फिर आपको यहाँ पर गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहले तो आपका डिटेल शो करेगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका ईकेवाईसी जो है वो यहाँ पे ग्रीन टिक होना चाहिए, लैंड सेंडिंग जो वो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक होना चाहिए और यहाँ पे आपका आधार सेंडिंग वो आपको ग्रीन टिक होना चाहिए। अगर आपका आधार सेंडिंग ग्रीन टिक नहीं है, NPCI से लिंक नहीं है, आपका आधार जो है बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको वीडियो को आई बटन में इसमें मिल जाएगा या वीडियो के एंड में या आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा उसके लिंक। आप वहाँ से आप देख के आप कैसे अपना जो आधार है वो बैंक से लिंक कर पाओगे। अगर आपका ईकेवाईसी कम्प्लीट नहीं है तो ईकेवाईसी को भी आपको यहाँ पे कम्प्लीट कर लेना है। सिंपली आपको मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको वीडियो के एंड में ही मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ईकेवाईसी, लैंड सेंडिंग और आधार सेंडिंग जो ये तीन चीज़ बेहद ही ज़रूरी है, आपको कर लेना। आप ये तीन चीज़ बहुत ही जल्द कर लो वरना आपका 18वीं जो किस्त है या आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट आने वाला होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये तीन चीज़ आपको करना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का 18वीं जो किस्त है वो आपको 5 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप उस दिन लाइव आपको आकर चेक करके दिखाऊंगा कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि का 18वीं जो किस्त है वो आया है या नहीं आया है, आप कैसे चेक करोगे और किसका किसका आया है और किसका किसका नहीं आया है और किन किन लोगों का आने वाला है और किन किन लोगों का नहीं आ पाया, उन लोगों के लिए मैं आपको लाइव चेक करके दिखाऊंगा। तो उस दिन आप लाइव में आकर जरूर जुड़िएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।